हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्पित है और इस वीडियो में हम जैसा कि आप देख सकते हैं हीरो सुपर स्प्लेंडर जो कि 2015 मॉडल की बाइक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हीरो की तरफ से कम्यूटर मोटरसाइकिल है ये, और कुछ इस तरह से एक ग्रे कलर वाला स्कीम वाला इसका है और लुक एंड फील आप कुछ इस तरह से इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इसका इंजन है जो कि 124.7 सीसी का इंजन है ये, और 9 बीएचपी प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम 7000 आरपीएम पे, और 10.35 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम 4000 आरपीएम पे। और ये है इसके 18 इंच व्हील्स, और ये है इसका ब्लैक कलर का एग्जॉस्ट, और उसके ऊपर ब्लैक कलर का मफलर भी दिया गया है। और कुछ इस तरह से यहाँ पे किक स्टार्ट भी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक स्टार्ट भी यहाँ पे दिया गया है। और बस कुछ इस तरह से डिज़ाइन है, बहुत ही सिंपल मोटरसाइकिल है, लेकिन अगर सेल्स नंबर में देखें तो हर मंथ में लगभग ये सेकेंड नंबर पे बाइक आती है हीरो स्प्लेंडर। हालांकि ये सुपर स्प्लेंडर है, लेकिन स्प्लेंडर रेंज की सबसे प्रीमियम बाइक है और काफ़ी अच्छी कम्यूटर मोटरसाइकिल है कह सकते हैं आप। तो चलिए इसको राइड करते हैं और देखते हैं बाकी इसकी चीज़ें। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप सुन सकते हैं, काफ़ी यहाँ पे इस रिफाइंड इंजन है, और जो कि एक्सपेक्टेड भी है हीरो या फिर होंडा के इंजन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा पुल है इस मोटर में, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी लैग यहाँ पे नहीं देखने को मुझे मिल रहा है। और क्या मतलब मैं बातें कर रहा हूँ, कह सकते हैं कि स्मूथ परफॉर्मेंस है और बढ़िया चल रही है बाइक, बोले तो एकदम झकास मस्त। तो यहाँ पे अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो यहाँ पे मेरी रीज़न में लगभग 66,000 का ऑन रोड पड़ता है। ये जो लेटेस्ट इसका एक मॉडल आ चुका है उसका मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो 2018 वाला जो मॉडल था जनवरी के आसपास मैंने पता की थी इसकी प्राइसिंग, तो इतनी थी। तो कुछ इस तरह से है, और देख रहे हैं आप यहाँ पे लगभग मैंने 70 का स्पीड टच कर दिया है। और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की भी बात करें अगर, तो काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी यहाँ पर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ब्रेक इसका काम करता है, दोनों ही ड्रम ब्रेक्स हैं फ्रंट और रियर में। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मिलती है। और एक बार फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी क्वाइट स्ट्रांगली पुल कर रहा है ये, बहुत ही अच्छा यहाँ पे फाइंड इंजन है। और माइलेज की बात करें तो यहाँ पे आप 50 किलोमीटर पर लीटर के आसपास माइलेज आपको मिल सकता है। हाईवे पे आप क्रूज़ करेंगे अगर 50 के आसपास, तो आपको 60 किलोमीटर पर लीटर का भी माइलेज दे सकती है। तो यहाँ पे अगर मैंने एक स्पीड यहाँ पे रन किया था, तो लगभग 80 का स्पीड मैंने अपने इसी रोड पे टच कर लिया था, और इसकी टॉप स्पीड लगभग 100 के आसपास जाती है मीटर में। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बहरहाल अगर बात करें राइड क्वालिटी की, तो राइड क्वालिटी भी यहाँ पे अच्छी है, और आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से मैं इसको आराम से राइड कर पा रहा हूँ। और यहाँ पे थोड़ी सी स्टिफ जरूर है, लेकिन बाकी सब कुछ बढ़िया है। यहाँ पे बैड रोड पे भी मैंने राइड किया था, इन सब काफ़ी जो टूटे हुए रोड हैं, तो वहाँ पर भी मुझे कोई खासी दिक्कत नहीं महसूस हुई थी। तो दोस्तों यही है हीरो सुपर स्प्लेंडर के बारे में। अगर आपका बजट इतना है तो आप इस बाइक को ज़रूर ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।